प्लेस टाइम वन रैंक वन पेंशन की प्रोटेस्ट में ब्रिगेडियर कक्कड़ यहाँ आए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे कि इस उम्र में जहाँ घर में आराम करने के लिए सरकार रिटायर करती है, मगर आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पर ये विवश हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इनकी पीड़ा को। जी ऐसा है कि वन रैंक वन पेंशन का मतलब सिंपल सा है कि जो एक फौजी 25 साल की सर्विस में रिटायर होता है, किसी रैंक में रिटायर होता है, उसके सेम रैंक का 25 साल के आदमी की पेंशन एक होनी चाहिए। ये जो ओआरओपी अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली के दिन राजौरी में मुंह में लड्डू डाल के बोला कि मैंने आपको ओआरओपी दे दी है, वो नहीं दी है। वो एक बार इंक्रीज किया गया था 2015 का, 2016 में, 2018 का जो बेसिस पर 2019 में दोबारा इंक्रीज होना था, ये उन्होंने खुद पास किया था। अब तक जो 1 जुलाई से देना था अभी तक नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो दे दिया आपको सब जो कुछ देना था और इससे ज़्यादा हमने नहीं देना है। एक जवान की विधवा आज 2500 रुपये कम उसको पेंशन मिलती है पर महीना। इमेजिन 25,000 साल का उसको कम मिलता है। उसके बच्चे हैं, उसको उसने पढ़ाना है और बेटियों की शादी करनी है। इसी तरह से आप ऊपर बढ़ते जाइए, सिपाही से लेकर ऊपर तक जिस रैंक में जाएंगे तो आपको यही 2,000-2,500 से लेकर 10,000 तक का पर महीने उनकी पेंशन में फ़र्क है सिर्फ। और ये कहते हैं कि ये बड़ा लंबा काम है, आजकल कंप्यूटर के युग में एक डाटा फीड करना है, हर साल के बाद 3% या 5% इंक्रीज हो वो सीधा दे देगा आपको बैंक वाला, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिल में होना चाहिए कि हाँ कि हमने वाकई नहीं दिया है। तो और अगर क्या कहें, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अब ये वो तो वो बोलते हैं दूसरे लोगों के सामने, अब हमारे को तो 1600 दिन में नहीं मिले। अभी 6 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी जनरल सतबीर साहब की और हमारी टीम की डिफेंस मिनिस्टर से, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर मिलते ही नहीं हैं। पर उनको ब्रीफ करने वाले जो हैं वो हैं CGDA जो कि डिफेंस अकाउंट्स के हैं, वो अब उन्होंने सर्विस करनी है तो वो वही कहेंगे जो उनको फाइनेंस मिनिस्टर कहेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने उनको बोला। जैसे कि फौजी जो डिसेबल्ड थे और जिन्होंने पूरा सर्व किया है उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स लगा दिया। तो ये उपलब्धियां हैं, ये उपलब्धियां हैं कि इनकम टैक्स लगा दिया फौज के लिए। और अभी नई उपलब्धि जो आई है अभी 20 दिन पहले वो ये कि कैंटोनमेंट में कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, अब इन्होंने कहा उसको खोल दो, जो जमीन खरीदना चाहता है उसको बेचेंगे, वहां पर फिर आपको DLF वाला मल्टी स्टोरी 11 स्टोरी बिल्डिंग बना देगा। साथ में रह रही हैं विधवाएं या सेपरेटेड फैमिली की जिनके कि हस्बैंड फील्ड में पोस्टेड हैं JNK में या असम में या कहाँ, वो यहाँ रह रही हैं, उनके साथ में प्रॉपर्टी डीलर रहेंगे और दुकानें खोलेंगे अपनी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या सरकार जिस तरह से बोल रही है कि दे दिया है, आप लोग कहते हैं नहीं मिला है, जो मिला है वो अधूरा मिला है, वो पूरा नहीं मिला है, तो आपकी जो ये खबर है मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? मुझे तो दिखा नहीं कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी कोई खबर हो। मेन स्ट्रीम मीडिया वही दिखाएगी जिसमें कि उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट से तभी मिलेगा जब उनके साथ कोई उन जो करंट उनका है जिसमें कि मोदी जी कवर हो या होम मिनिस्टर कवर हो या बाकी कवर हो उन टॉपिक्स पर जिसमें कि वो कर सकें, हर एक चीज़ को डाइवर्ट करने में तो वो माहिर है। क्या मीडिया अपनी कर्तव्य से भाग रहा है? मैं ये नहीं, मीडिया पे मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं मीडिया से हूँ नहीं, तो इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मीडिया अपने कर्तव्य करे। खबर आपकी क्यों नहीं दिखा? देखिए, मेरी तनख्वाह जो मेरी पेंशन बढ़ी थी 2016 में बढ़ी थी, उसके बाद अभी तक नहीं बढ़ी है 19 तक।
1600 दिन तक प्रोटेस्ट करना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। ये मेरा ख्याल में हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान में कि छोड़िए, वर्ल्ड में किसी जगह पर भी कोई फौजी 1600 दिन पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं किए, किसी ने भी, हमारी नॉलेज में नहीं है कि किसी ने प्रोटेस्ट की हो। दूसरे देशों में क्या है कि जो फौजी रिटायर होता है ना, उसको उसकी तनख्वाह का 75% पे, जो उसकी लास्ट ड्रॉन है, वो उसको पेंशन मिलती है 75%। अगर उसकी 1000 तनख्वाह है तो 750 पेंशन मिलनी चाहिए, पर यहाँ 1974 में 75% करके 50% कर दी। जो सिविलियन की थी, बाबुओं की पेंशन थी 33%, उसको उठा के 50% कर दी, दोनों को बराबर कर दिया। बोला जी हम तो बराबरी कर रहे हैं, पर आपको हम पेंशन आपकी बढ़ाते रहेंगे, ये उन्होंने बोला था, पर उसके बाद हुआ नहीं कुछ भी। इसीलिए हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने उम्मीद है कि ये इसको अटेंड करेंगी गवर्नमेंट। देखिए मीडिया पर सवाल खड़ा तो होता ही है कि 1600 दिन पूरे होने के बाद इन रिटायर्ड फौजी देश को बचाने के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं, सरहदों पर तैनात रहते हैं, और आज ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर कोई मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहें, वो आज भोपू बन चुका है, वो इस खबर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि सरकारी और दरबारी चाटुकार मीडिया बन चुका है। मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँगा, बात को हमेशा कहूँगा कि इन फौजियों का दर्द जो है उन्हें दिखाना चाहिए, मगर कोई बात नहीं, हम जैसे भी जो अल्टरनेट मीडिया है वो दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए, इस तरह के न्यूज़ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त।